और जानकी मक्सी रोड पर तेज गति से जा रहे ट्रक ने फेरी लगाकर सामान बेचने वाले को मारी टक्कर, जिसमें घटनास्थल पर ही हो गई युवक की मौत। और जान की घटिया तहसील में रहने वाला उक्त युवक गरीब है और वह गांव-गांव में फेरी लगाकर बाइक पर रखकर सामान बेचने का काम करता था। युवक मक्सी रोड पर जा रहा था और तेज गति से आ रहे ट्रक ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें भान बड़ोदिया घटिया थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक जयराम पवार उम्र 35 वर्ष की मौत हो गई। घटनास्थल पर ट्रक ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि मोटरसाइकिल और मृतक युवक के शव को करीब 50 फीट दूर तक घसीट ले जाया गया। जैसे ही यह भीषण दुर्घटना हुई, वैसे ही लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस कर्मियों को सूचना दी और थाने से पुलिस कर्मी पहुंचे, ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। अब चिमनगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ड्राइवर को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। थे और क्या हो गया था इन? सर, ये उज्जैन के पास में भान बड़ोदिया गाँव है, वहाँ का रहने वाला था बंदा और ये फेरी लगाने का कामकाज करता था, मजदूरी का काम करता। जी जी। घर से भी सक्षम नहीं है, परिवार से भी सक्षम नहीं है और एक भाई बचा है इसका, परिवार को भी मतलब कोई ज़्यादा सहारा नहीं है। गैस का कोई, गैस की गाड़ी थी वो, उसमें कोई स्पीड उसकी ज़्यादा थी। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट है? ये हरिओम कांटे के पास में। अच्छा, इनका भैया क्या नाम था? जयराम नाम। अच्छा, कितनी उम्र होगी? करीब 35 साल के लगभग। अच्छा, इसका नाम है यार। हाँ जी, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।